नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोविड 19 के मिले 700 से ज्यादा मामले। बिहार में खत्म हुआ लॉकडाउन। बिहार में शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने की योजना हुई शुरू। बिहार में समय से पहले पहुंच सकता है मॉनसून। 18 साल से ज्यादा के युवाओं की वैक्सीनेशन में अब आएगी तेजी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अनलॉक एक के साथ हुआ बिहार लॉकडाउन में खत्म। बिहार में कोविड 19 के मामलों में लगातार आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन के फैसले को हटा लिया है। हालांकि इस दौरान नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखने और नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। जारी किए गए अनलॉक में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। सुबह 6 बजे से 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 50% कर्मचारियों के साथ कार्यालय खुलेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। पार्क बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी और निजी कार्यालय 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। हालांकि इन सब के बीच राज्य सरकार अभी स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार नहीं कर रही है। जुलाई तक शिक्षण संस्थानों को नहीं खोला जाएगा। इसके साथ ही शादी समारोह 20 लोगों की उपस्थिति के साथ ही किए जाएंगे। बिहार में कोविड 19 के मिले 700 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 711 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,897 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 20, अरवल में 3, औरंगाबाद में 18, बांका में 2, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 9, भोजपुर में 9, बक्सर में 6, दरभंगा में 31, ईस्ट चंपारण में 23, गया में 34, गोपालगंज में 40, जमुई में 10, जहानाबाद में 2, कैमूर में 2, कटिहार में 24, खगड़िया में 7, किशनगंज में 23, लखीसराय में 6, मधेपुरा में 17, मधुबनी में 14, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 30, नालंदा में 13, नवादा में 13, पटना में 65, पूर्णिया में 58, रोहतास में 10, सहरसा में 15, समस्तीपुर में 22, सारण में 31, शेखपुरा में 4, सीतामढ़ी में 10, सिवान में 15, सुपौल में 66, वैशाली में 10, वेस्ट चंपारण में 8 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 7 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1010 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 103,046 सैंपल की जाँच की गई है। बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए सुनहरा मौका। बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वालों युवाओं के लिए IBPS की तरफ से सुनहरा मौका पेश किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB में ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार RRB भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से अगस्त 2021 में आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा सितंबर अक्टूबर 2021 में आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन 8 जून से 28 जून 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे। बिहार में शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने की योजना हुई शुरू। बिहार में शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने की योजना की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत ही राज्य के सभी शहरी निकायों में अधिसूचित और गैर अधिसूचित स्लम का सर्वे किया जाएगा। नगर विकास और आवास विभाग के निर्देश पर सभी शहरी निकाय अपने निगम क्षेत्र में प्रत्येक सरकारी भूमि की स्लम में कितने गरीब निवास करते हैं, कितनों के पास अपने पक्के मकान है, इसका भी डेटा तैयार किया जाएगा। विभाग के निर्देश में कहा गया है कि स्लम बस्ती में परिवार के मुखिया और सभी व्यसक की फोटोग्राफी कराई जाए। एक मकान में रहने वाले लोगों को एक परिवार माना जाए। आवास के सामने सभी का फोटो लिया जाए और स्लम का वीडियोग्राफी सहित डेटा तैयार किया जाए। 8.60 गरीबों को दीपावली तक मुफ्त राशन। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आदेश जारी करते हुए अगले एक सप्ताह के लिए बिहार को अनलॉक करने का आदेश जारी किया है। हालांकि इस दौरान कई तरीके की पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच बिहार को बड़ी राहत मिलने की खबर सामने आई है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीपावली तक गरीबों को मुफ्त राशन दिए जाने की घोषणा से राज्य के 8.60 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के को दिए जाने वाले अनाज के अलावा हर महीने 4.20 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त राशन मुफ्त में मिलेगा। ऐसे में बिहार के बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
बिहार में प्रशासनिक अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार में बीते दिन बड़ा तबादला देखने को मिला, जिसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला करते हुए रोहतास जिले के ADM का भी ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही एक अधिकारी को एडिशनल चार्ज भी दिया गया। सरकार की तरफ से तबादले को अधिसूचना जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार रोहतास के ADM लाल बाबू सिंह का तबादला करते हुए इन्हें बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी का सरकारी आप्त सचिव बनाया गया है। इनके अलावा श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव पंकज कुमार को परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव का एडिशनल चार्ज दिया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पंकज कुमार अगले आदेश तक इस पद पर जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का सरकारी आप्त सचिव बनाया गया है। बिहार में समय से पहले पहुंच सकता है मॉनसून। बिहार वासियों के लिए चिलचिलाती गर्मी के बीच खुशखबरी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में समय से पहले मॉनसून के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी शुरुआत पूर्णिया जिले में 12 जून को बारिश के साथ हो सकती है। इतना ही नहीं, संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने बिहार के कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, गया, मुजफ्फरपुर, नवादा सहित बिहार के सभी हिस्सों के लिए ग्रीन के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जून से राज्य के अधिकतम में गरज तड़क के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। 9 जून को फर्जी शिक्षक मामले की होगी सुनवाई। 9 जून यानी कि आज शिक्षकों द्वारा वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने के मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है, क्योंकि बिहार में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र का फोल्डर समय सीमा बीतने के बाद भी वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। इससे अब यह प्रमाणित होने लगा है कि 2005 से 2016 के बीच शिक्षक नियोजन में भारी पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया था। जानकारों की माने तो कई जिले ऐसे हैं जहां 40 से 50% शिक्षकों के फोल्डर अपलोड ही नहीं किए गए हैं। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और DPO स्थापना को पत्र लिखा है और ACS की तरफ से 9 जून को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक बुलाई गई है। बिहार में नए मिठास वाले आम की प्रजाति की हुई उत्पत्ति। बिहार में एक और नए हाइब्रिड आम की उत्पत्ति हुई है, जिसका नाम सबौर मैंगो 2 रखा गया है। इस आम की खासियत यह है कि इसकी पतली स्किन है, गुठली भी बहुत छोटी रूप आकार की है। स्वाद में यह मालदा और आम्रपाली का हाइब्रिड है, जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की माने तो इसकी मिठास 20.5%, इसमें 80% फल होता है। बीज बहुत पतला, लगभग 13.5 होता है। इसका पेड़ सामान्य रूप से 30 फुट ऊंचाई तक जाता है। एक पेड़ से 130 किलोग्राम फल मिलते हैं। यह देखने में आकर्षक होता है। BAU से आम की नई किस्म को भेजने का अनुरोध किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए कई शोधार्थी भी लगातार पहुंच रहे हैं। COVID-19 के कारण भूमि सर्वे का फील्ड वर्क हुआ ठप। COVID-19 के कारण भूमि सर्वे का काम भी पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार महामारी के डर से कर्मचारी गांव में ही नहीं जा रहे हैं। इसी बीच अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने सर्वे के कार्य की समीक्षा की और कई जिलों की स्थिति को खराब पाया है। इसके बावजूद मई के अंतिम सप्ताह तक हुए काम में समीक्षा के आधार पर विशेष सर्वे में सबसे बेहतर प्रदर्शन सुपौल ने किया है। फरवरी की रैंकिंग में यह 3रे नंबर पर था। पश्चिमी चंपारण 2रे और शेखपुरा 3रे स्थान पर बना हुआ है। इसके विपरीत सबसे खराब प्रदर्शन वाले 5 जिले में पहले नंबर पर शिवहर, दूसरे पर अररिया, कटिहार, किशनगंज और खगड़िया है। 18 साल से ज्यादा के युवाओं के वैक्सीनेशन में अब आएगी तेजी। जहां एक तरफ बिहार में 18 साल से ज्यादा के युवाओं की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी, वहीं अब एक बार फिर से इस प्रक्रिया को रफ्तार मिलने लगी है, क्योंकि बीते दिन ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में वैक्सीनेशन अभियान के लिए 5,40,000 डोज के पटना पहुंचने की बात कही है। जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि वैक्सीन की कमी के कारण 18 साल से ज्यादा के लोगों को टीका लगने में देरी हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार में बड़े पैमाने पर टीके पहुंचे हुए हैं। वहीं ब्लैक फंगस का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इसकी भी दवा पटना पहुंच गई है, जिसकी कमी की शिकायत मिल रही थी। एम्फोटेरिसिन का 1700 वायल पटना बीते दिन पहुंच गया है। शराब और गोरख धंधे करने वालों के लिए आंगनबाड़ी, PHC और ब्लॉक स्तर पर दी जाएगी टोल फ्री नंबर की जानकारी। शराब और गोरख धंधे करने वालों पर नकेल कसने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार की तरफ से जारी किए गए टोल फ्री नंबर 15545 की कोई जानकारी ही नहीं है। यही कारण है कि अब इसके प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी, PHC और ब्लॉक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। आपको बता दें, टोल फ्री नंबर 15545 बिहार पुलिस के मद्य निषेध के लिए जारी किया गया था, ताकि इसके जरिए शराब का अवैध कारोबार
करने वालों की सूचनाएं गुप्त तरीके से मिलती रहे, सूचना देने वालों की पहचान को उजागर किए बगैर ही कार्रवाई हो सके, मगर जिस स्तर की उम्मीद इस टोल फ्री नंबर को लेकर की गई थी उस तरह से इसका रिजल्ट नहीं मिला, जिसके बाद ही इस टोल फ्री नंबर के व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार का फैसला लिया गया है। अब घर बैठे बैठे ले सकेंगे हॉलमार्क का लाइसेंस। भारतीय मानक ब्यूरो 15 जून से हॉलमार्किंग प्राविधान को लागू करने वाला है। यही कारण है कि हॉलमार्किंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है, जबकि कैंप आयोजित कर लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं। हालांकि अब व्यवसायी घर बैठे भी ऑनलाइन प्रक्रिया से हॉलमार्किंग लाइसेंस ले सकते हैं, जिसके लिए अब आपको www.manakonline.in पर जाना होगा, जिसके बाद हॉलमार्किंग लॉगिंग कर अकाउंट बनाना होगा, जिसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाना होगा और इसको भरना होगा। साथ ही आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। इतना ही नहीं, यहां पर आपको आउटलेट्स का विवरण भी देना होगा। इसके बाद अब आप डेबिट या क्रेडिट या नेट बैंकिंग के जरिए शुल्क भर लाइसेंस की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। शुल्क की रसीद भी डाउनलोड या प्रिंट की जा सकती है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जहां पर कुल मिलाकर 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें प्रमुख एजेंडों की बात करें तो सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर परामर्शी समिति के गठन वाले प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके अलावा सरकार ने बिहार पुलिस मुख्यालय के दंगा विरोधी वाहनियों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों की खरीदारी के लिए 36,41,20,000 की स्वीकृति दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 64,942 लाख रुपए और मनरेगा के लिए 53,351 लाख रुपए की स्वीकृति दी। इसके साथ ही दानापुर भेटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में जमीन अधिग्रहण के लिए 456 करोड़ मंजूरी मिल गई है। IMA की शिकायत पर पटना में बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान के बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। IMA की शिकायत पर पटना में बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके तहत योग गुरु बाबा रामदेव पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पटना के पत्रकार नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। केस बिहार शाखा के मानद राज्य सचिव डॉक्टर सुनील कुमार के बयान पर दर्ज किया गया। दर्ज FIR में डॉक्टर सुनील का आरोप है कि कोरोना की लहर के दौरान बाबा रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और पद्धति के प्रति आम लोगों के मन में भ्रम पैदा किया, उसके प्रति अविश्वास बढ़ाया, जिससे डॉक्टरों की भावनाएं आहत हुई है। अक्टूबर महीने में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को लेकर जारी खींचतान के बीच अक्टूबर महीने में चुनाव के आयोजन को लेकर संभावना जताई जा रही है। इस बाबत जल्द ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग अगले 2 से 3 महीने में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। विभाग इस बार EVM से चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है। माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग सितंबर या अक्टूबर में पंचायत चुनाव करवा सकती है। पंचायत चुनाव के लिए आयोग को 6 पदों के लिए अधिक संख्या में EVM की आवश्यकता है। मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के अलग अलग EVM की बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता है। सहरसा से विशेष ट्रेन के परिचालन वहीं गया होकर चलने वाली 3 ट्रेनें हुई रद्द। बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने बिहार से दिल्ली जाने वाली यात्रियों के लिए सहरसा से आनंद विहार तक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन सहरसा से 13 जून से प्रत्येक रविवार और गुरुवार को, आनंद विहार टर्मिनल से 14 जून से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को चली है। दूसरी तरफ पूर्व तटीय रेलवे की तरफ से संचालित पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के रास्ते भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का पिछले महीने से रद्द परिचालन 19 जून तक नहीं शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, यह ट्रेनें गया होकर चलती हैं, जिसके तहत गाड़ी संख्या 05279 सहरसा विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 05280 आनंद विहार टर्मिनल से निकलेगी। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 02823 भुवनेश्वर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 11, 14, 17 और 18 जून को, गाड़ी संख्या 02124 नई दिल्ली भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन 12, 15, 17 और 19 जून को, ट्रेन संख्या 02825 भुवनेश्वर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 16 जून को, नई दिल्ली भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 18 जून को रद्द होगा। इसके साथ ही भुवनेश्वर नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का परिचालन 12 और 19 जून को और 02856 नई दिल्ली भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13 और 20 जून को रद्द होगा। COVID-19 से जंग में शामिल हुई सामाजिक संस्थान डॉक्टर फॉर यू। COVID-19 के जारी जंग के बीच सामाजिक संस्थान डॉक्टर फॉर यू से मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया है, जिसके तहत सरकार को 12 करोड़ के उपकरण मदद के रूप में मुहैया करवाए गए हैं। जिसके तहत ही डॉक्टर फॉर यू की तरफ से स्वास्थ्य उपकरणों में 700 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, 50,000 फेस शील्ड, 20,000 N95 मास्क, 10,000 सर्जिकल ग्लव्स और 5 वेंटिलेटर, 200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 300 ऑक्सीजन फ्लोमीटर, 2 एम्बुलेंस का डोनेशन बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को बीते दिन संस्थान की तरफ से दिया गया है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी डॉक्टरों का धन्यवाद किया है।
नीतीश सरकार पर लालू यादव और राबड़ी देवी ने किया डबल अटैक। कोविड 19 संक्रमण की दूसरी लहर के कहर पर भले ही ब्रेक लग गया हो, लेकिन कोविड 19 के कारण जितनी परेशानी हुई है उसको भुलाया नहीं जा सकता। इलाज के अभाव से कई लोगों की जान जाने पर अभी भी विवाद जारी है। खासकर बिहार में विपक्षी नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि 16 साल में नीतीश भाजपा ने बिहार की यह दुर्गति करी है कि देश में प्रति लाख आबादी पर सबसे कम बेड बिहार में है। हमारी सामाजिक सशक्तिकरण की पहल के विरोध में कुछ लोग इतने अंधे हुए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की बलि देकर अपनी दो पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद करवा लिया। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर गंगा में युवाओं ने किया जल सत्याग्रह। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें रिहाई नहीं मिली है, जिसके बाद उनके समर्थक अलग अलग तरीके से उन्हें रिहा करने की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पटना के अंटाघाट स्थित गंगा नदी में जल सत्याग्रह करते नजर आए। गौरतलब है कि इस भीषण गर्मी में घंटों गंगा नदी में खड़े कार्यकर्ता लगातार पप्पू यादव को रिहा करने की मांग करते रहे। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक भाई दिनेश ने कहा कि जब संक्रमण के दौरान पप्पू यादव जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे थे, तब सरकार ने उन्हें 32 साल के एक पुराने मामले में जेल भेज दिया, जो कहीं ना कहीं सरकार की बर्बरता को दर्शाती है। जमुई की जनता चिराग को लेकर ढूंढ रही है चिराग पासवान। जमुई की जनता चिराग लेकर ढूंढ रही है चिराग पासवान को। विधानसभा चुनाव में खूब वादे करने वाले चिराग पासवान अब चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। जमुई की जनता ने तो उनकी खोज में जगह जगह पर पोस्टर भी लगा दिए हैं। इसको लेकर जनशक्ति विकास पार्टी डे के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने सवाल उठाया कि इस त्रासदी के समय पूछना जरूरी है कि सांसद कहां है, क्षेत्र से लापता क्यों है। इसके साथ ही प्रदीप सिंह ने आरोप लगाया कि जब जनता को अपने जनप्रतिनिधि की जरूरत है तो ऐसे वक्त में सांसद क्षेत्र से लापता है। आलम यह है कि पिछले 5-6 महीने से वो अपने क्षेत्र में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद चिराग पासवान जमुई लोकसभा में 18 लाख वोटरों के प्रतिनिधि हैं। क्षेत्र की जनता के प्रति उनकी अपनी जवाबदेही है, खासकर कोरोना जैसी आपदा में उनका गायब रहना दुखद है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1964 में आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। 2008 में केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन ने चंडीगढ़ का तंबाकू मुक्त घोषित किया। 1913 में स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध नेता चौधरी दिगंबर सिंह का जन्म हुआ था। साल 1931 में उड़ीसा की महिला मुख्यमंत्री तथा लेखिका नंदिनी सत्यपति का जन्म हुआ था। 1949 में भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी का जन्म हुआ था। 1975 में हिंदी चलचित्र अभिनेत्री अमीषा पटेल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1900 में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का रांची जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन आज ही के दिन हुआ था। 2011 में भारत के मशहूर चित्रकार MF हुसैन का लंदन में निधन आज ही के दिन हुआ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अंपायर और रेफरी को लेकर ICC ने की घोषणा। 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत भारत और न्यूजीलैंड एक बार फिर से एक दूसरे के साथ भिड़ने वाले हैं। हालांकि इस मैच के लिए अंपायर और रेफरी कौन कौन होंगे, इसको लेकर ICC ने हाल ही में सारी जानकारी साझा की है। ICC की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार फाइनल मैच के लिए जिन दो फील्ड अंपायर का चयन किया गया है वो माइकल गॉफ और रिचर्ड इलिंगवर्थ है। इस मैच के लिए ICC ने TV और थर्ड अंपायर के रूप में रिचर्ड केटलबर्ग का चयन किया है। इसके अलावा इस बड़े मुकाबले के लिए ICC ने मैच रेफरी के तौर पर क्रिस ब्रॉड को चयनित किया है। साथ ही चौथे अंपायर के तौर पर एलेक्स वॉर्फ को चुना गया है। राजधानी दिल्ली की तरह अब पटना में भी चलेंगी CNG बसें। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए साथ ही बढ़ते प्रदूषण को भी ध्यान में रखते हुए राजधानी पटना में भी CNG बसों का परिचालन शुरू होने वाला है। इस बाबत CNG बस का पहला बेड़ा पटना परिवहन विभाग में पहुंच चुका है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कोरोना से हालात सामान्य होने के बाद खुद CM नीतीश कुमार इन बसों को हरी झंडी दिखा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मंगाई गई इन बसों को अभी परिवहन विभाग के परिसर में खड़ा किया गया है। बताया गया है कि परिवहन निगम ने ऐसे 50 बसों के खरीदने का ऑर्डर दिया था, जिसमें पहले बेड़े में 28 बसों की सप्लाई कंपनी की तरफ से की गई है। बिहार के राज्यपाल ने किया बोधगया मंदिर सलाहकार परिषद का गठन। बीते दिन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बोधगया मंदिर सलाहकार परिषद का गठन कर दिया, जिसमें 10 बौद्ध देशों के राजदूतों के साथ देश के बौद्ध मठ मंदिरों सोसाइटी के अलावा स्थानीय सांसद विधायक पुलिस और प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारियों को शामिल किया गया। आदेश के अनुसार सलाहकार परिषद मुख्य रूप से बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के सलाहकार निकाय के रूप में काम करेगी और इसके लिए बनाई गई नियमावली के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता 10 देशों के राजदूत में से कोई करेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुमन कुमार, अरविंद कुमार, श्वेता राज, बिरबल कुमार, नितेश यादव, श्रवण कुमार, धनंजय कुमार, शंकर मुखिया, गुनगुन कुमार, रंजीत मेहता, कपिल देव प्रसाद, सोनम सिंह, अमर राजा, अभिनव राजा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से एक सप्ताह के लिए
लिए कुछ शर्तों के साथ लागू किया गया अनलॉक का फैसला पर आपकी क्या राय है, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दोबारा ना भूलें। धन्यवाद।